आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के 13वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 13 श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। क्रोधस्त्वया यदि वो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा मत कथं किल कर्म चौरा। नो सत्यमुत्र यदि वासेसि तापि लोके नीलद्रुमाणि मिपिनानि न किं विमानि। अब हम एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। क्रोधस्त्वया, क्रोधस्त्वया यदि, यदि विभो, विभो प्रथमम, प्रथमम निरस्तो ध्वस्तास्तदा, ध्वस्तास्तदा बत कथम किल कर्म चौरा, किल कर्म चौरा। नो सत्यमुत्र, नो सत्यमुत्र, नो सत्य अमूत्र, संधि विच्छेद करने पर नो सती प्लस अमूत्र हो जाएगा। एक साथ बोलेंगे क्लो सत्यमुत्र, क्लो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। अब हम एक साथ धीरे धीरे पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा मत कथं किल कर्म चौरा। नो सत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। आचार्य सिद्ध से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं। पूरी तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते उनके मन में प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है। प्रभु, आपने पहले क्रोध को समाप्त कर दिया, फिर आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे समाप्त किया? कर्म रूपी चोर क्या करते हैं? हमारे स्व को समाप्त करता है। स्व यानी धन, धन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गृहस्थ के लिए धन होता है, मनी, मकान, ऑफिस, वो गृहस्थ के लिए धन होता है। साधु के लिए धन है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। और आत्मा का धन है अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। ये आत्मा का धन है। ये जो कर्म रूपी जो शत्रु है, कर्म रूपी जो चोर है, वो क्या करते हैं? आत्मा का जो धन है उसको चुरा लेते हैं, यानी उसको समाप्त कर देते हैं। यानी जब तक कर्म रहेंगे तब तक आत्मा का धन जागृत नहीं हो सकता है। यानी तब तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति जागृत नहीं हो सकती है। आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, प्रभु पहले आपने क्रोध को समाप्त कर दिया, फिर आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे समाप्त किया?
क्योंकि क्रोध के बिना चोर को कैसे समाप्त कर सकती है। यदि किसी को समाप्त करना है तो पहले क्रोध चाहिए। क्रोध से व्यक्ति किसी को समाप्त कर सकता है, लेकिन प्रभु आपने तो क्रोध को पहले ही समाप्त कर दिया। फिर आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे समाप्त किया? जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। आप देख रहे हैं ये 8 जो कर्म है सबके एक एक नाम है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, ये 8 कर्म है। ये 8 कर्म जो है वो एक प्रकार के चोर है, कर्म रूपी चोर है। तो भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया, पहले क्रोध को समाप्त कर दिया, उसके बाद ये जो कर्म रूपी चोर है उसको कैसे समाप्त किया, ये आचार्य सिद्धसेन के मन में प्रश्न है। आचार्य सिद्धसेन के मन में प्रश्न हो जाता है, शंका हो जाती है। स्तुति करते करते उनके मन में शंका हो गई कि प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध के बिना कर्म रूपी चोर कैसे समाप्त हो सकते हैं। यह शंका केवल आचार्य सिद्धसेन के मन में नहीं हुई, आचार्य हेमचंद्र के मन में भी यह शंका हो गई थी। उन्होंने भी वीतराग स्तोत्र में लिखा है, प्रभु आपके भीतर राग नहीं है, फिर आपने मुक्ति का भोग कैसे किया? आपके अंदर द्वेष नहीं है, फिर आपने कर्म रूपी शत्रु को कैसे नाश किया? यही बात जयाचार्य भी 24 में लिखते हैं। वो भी कहते हैं, प्रभु आपके भीतर राग नहीं है, फिर आपने मुक्ति के सुखों से प्रीत कैसे की? प्रभु आपके अंदर द्वेष नहीं है, फिर आपने कर्म रूपी शत्रुओं को कैसे जीता? आचार्य सिद्धसेन के मन में प्रश्न हो रहे हैं, प्रश्न वो करते जा रहे हैं। पता नहीं स्तुति करते करते लगता है वो प्रश्न करने लगे, प्रभु से प्रश्न करने लगे। स्तुति करने वाला हमेशा तारीफ करता है, प्रश्न नहीं करता है, लेकिन आचार्य सिद्धसेन तो स्तुति भी करते जा रहे हैं, साथ में भगवान पार्श्वनाथ से प्रश्न भी करते जा रहे हैं। प्रश्न करने वाला तो धरती पर है और समाधान देने वाला ऊपर, यानी सिद्धशिला यानी मोक्ष में है। वो कैसे संभव हो सकता है, कैसे आंसर मिल सकता है? क्योंकि वर्तमान समय में तो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति संपर्क कर सकता है, प्रश्न का समाधान पा सकता है। लगता है उस समय तो कोई इंटरनेट का साधन नहीं था, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वरना आचार्य सिद्धसेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते और प्रश्न का समाधान पा लेते। लेकिन अब आचार्य सिद्धसेन के मन में हो रहा है कि अभी वो कोई साधन नहीं है, न इंटरनेट है, न फोन है, न वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मैं कैसे समाधान पाऊं, क्या करूं? अब चिंतन करते करते वे विचार करते हैं, मैंने सुना है ध्यान में बड़ी ताकत होती है, ध्यान के माध्यम से संपर्क साध सकते हैं। कहीं पर भी व्यक्ति दूर बैठा हो उनसे हम संपर्क साध सकते हैं, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कहीं पर भी हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति से अमेरिका में बैठे बैठे भी संपर्क साध सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो आचार्य सिद्धसेन सोचते हैं अभी ये साधन तो मेरे पास नहीं है, वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति संपर्क साध सकता है, मृतात्मा से भी साध सकता है और मुक्त आत्माओं से भी साध सकता है, उस स्वर्ग में जो गए हैं उनके उनसे भी संपर्क साध सकता है। आचार्य तुलसी के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा उदास था, पूछा क्या बात है? उसने कहा, गुरुदेव एक ही बेटा था और युवा अवस्था में चला गया, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, मेरी इच्छा है एक बार मेरा उससे संपर्क हो जाए,
ऐसा कोई आप प्रयोग कराए। आचार्य तुलसी ने आचार्य महापंडित जी से कहा, आप इस व्यक्ति को प्रयोग कराएं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ध्यान का प्रयोग कराया। ध्यान का प्रयोग कराने के बाद वह व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है कि आपने गुरुदेव बड़ी कृपा की, आपने मुझे मेरे बेटे से संपर्क करवा दिया, यानी ध्यान के माध्यम से मृत आत्माओं से भी संपर्क किया जा सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी श्रमण भगवान महावीर जो बुक है उन्होंने लिखी है, उस बुक में वो लिखते हैं कि मैंने भगवान महावीर स्वामी से साक्षात संपर्क किया था ध्यान के माध्यम से। भगवान महावीर से तो किया, उसके साथ साथ मैंने अनेक आचार्यों से भी संपर्क किया जो इस धरती पर नहीं है, स्वर्ग में है, उनसे भी मैंने संपर्क किया है। आचार्य सिद्धसेन भी ध्यान में लीन हो गए हैं, ध्यान में लीन हो गए और लगता है ध्यान के माध्यम से उन्होंने भी भगवान पार्श्वनाथ से संपर्क साध लिया, उनको भी समाधान मिल गया। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे समाधान मिल गया, मैंने सुना है जो बर्फ होता है वो क्या करता है, हरे भरे वृक्ष को भी जला देता है। आग तो जलाती है लेकिन बर्फ भी जला देता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो बर्फ है इतना स्नो है, तो स्नो जब गिरता है, हम देखते हैं अमेरिका में इतना स्नो गिरता है और ये जो लंदन में भी बहुत स्नो गिरता है, तो स्नो गिरने से क्या होता है, जो हरे भरे जो वृक्ष होते हैं वो भी जल जाते हैं। आग से तो वृक्ष जलते हैं लेकिन स्नो से भी वृक्ष जल जाते हैं। कहा गया कि स्नो से जो वृक्ष जल जाते हैं वो पुनः हरे भरे नहीं हो सकते, आग से जो वृक्ष जल गए वो वापस हरे भरे भी हो सकते हैं, लेकिन स्नो से जो जल गए वो हरे भरे नहीं हो सकते हैं। तो स्नो क्या है, ठंडा है, फिर भी वो वृक्ष को जला देता है। वैसे ही भगवान क्या है, भगवान के पास क्या है, क्षमा है। क्षमा के माध्यम से उन्होंने किया गया, ये जो कर्म रूपी जो चोर ये लेटे पड़े हैं, ये जो कर्म रूपी सारे चोर हैं, आठ कर्म हैं, उन चोरों को भगवान ने क्षमा से जीत लिया। जो काम शांति से कर सकते हैं, क्षमा से कर सकते हैं, वो क्रोध से भी नहीं किया जा सकता है। तो भगवान ने क्या किया, क्षमा के माध्यम से जो कर्म रूपी जो चोर थे उनको समाप्त कर दिया। तो जो काम शांति से किया जा सकता है, क्षमा से किया जा सकता है, वह क्रोध से भी नहीं किया जा सकता है। तो ये स्नो जो ठंडा है उसने क्या किया, हरे भरे वृक्ष को जला दिया। वैसे भगवान के पास क्षमा है, क्षमा के माध्यम से उन्होंने भी कर्म रूपी शत्रुओं को समाप्त कर दिया। तो आग वृक्ष को जलाती है लेकिन बर्फ भी वृक्ष को जला देती है। क्रोध से व्यक्ति शत्रुओं को समाप्त कर सकता है लेकिन कर्म रूपी शत्रुओं को क्रोध से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये कर्म रूपी शत्रुओं को समाप्त कब किया जा सकता है, जब क्षमा का भाव हो। ये क्रोध कब तक रहता है, नवमे गुण स्थान तक रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम चिंतन करें, अध्यात्म के विकास के क्रम में बताया गया है कि क्रोध है वो नवमे गुण स्थान तक रहता है और ये जो कर्म रूपी जो शत्रु है वो चौदह गुण स्थान की जब एंड होता है, अंत होता है, जब चौदवा गुण स्थान समाप्त होना होता है, यानी चौदह गुण स्थान की स्थिति मात्र अ ई उ ऋ ॠ पांच रसाक्षर है उतनी सी होती है, उस समय जो चार अघाती कर्म होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि मोहने कर्म का क्षय तो बारहवें गुण स्थान में हो जाता है, शेष तीन जो घाती कर्म है उसका क्षय तेरहवें गुण स्थान में होता है, जो चार अघाती कर्म बचे हैं उनका क्षय चौदहवें गुण स्थान में होता है। यह कर्म का क्षय, कर्म रूपी जो शत्रु है उनका क्षय कैसे हुआ, क्षमा के माध्यम से हुआ, क्रोध से नहीं हुआ, क्रोध तो पहले ही समाप्त कर दिया था। आचार्य सिद्धसेन ने कहा, मुझे समझ में आ गया, ये भगवान
आपने पहले क्रोध को जीत लिया, इसीलिए आपने कर्म रूपी शत्रु को भी समाप्त कर दिया, कर्म रूपी शत्रु को भी आप समाप्त कर सके। तो कर्म रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए हमें क्षमा का जो भाव है वो विकसित करने की जरूरत है। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग है, जो श्लोक जो हमने उच्चारण किया था, उसी का हम एक एक मीनिंग हिंदी में और इंग्लिश में बता रहे हैं। विभो, हे विभो, ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश में है हे लॉर्ड, यदि त्वया, यदि तुमने, इंग्लिश में इफ यू, भविनाम संसारी प्राणियों के, ऑफ वर्ल्डली बीइंग्स, प्रथमम, पहले ही, प्रथम का मतलब पहले ही, ऑलरेडी, क्रोध, क्रोध को, टू एंगर, निरस्त, निरस्त का मतलब है समाप्त कर दिया, हैज फिनिश्ड, तदा, तदा का मतलब तब, देन, बत, बत का मतलब होता है आश्चर्य है कि, वहां जो श्लोक था वहां बत लिखा हुआ है लेकिन बत होगा तो सुधार कर लेंगे, ऐसे श्लोक में उच्चारण भी बत ही किया था। बत, बत का मतलब आश्चर्य है कि, वंडर दैट, वंडर दैट, किल, किल का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली। कर्म चौराहा, कर्म रूपी चोरों को, थीव्स इन द थ्रो ऑफ कर्मा, कथम, कथम का मतलब होता है कैसे, हाउ, ध्वस्ता, ध्वस्ता का मतलब होता है नष्ट किया, डिस्ट्रॉय इट, यदीवा, यदीवा का मतलब होता है अथवा, और अमूत्र, अमूत्र संस्कृत में है, इसका हिंदी है इस, इंग्लिश में है दिस, लोके, लोक में, इन द यूनिवर्स, शिशिरा, शिशिरा का मतलब होता है शीतल शोभा वाली, क्योंकि शिशिर ऋतु यानी जो जब विंटर का समय होता है तब ठंडी होती है, कूल टेम्पर्ड, कूल टेम्पर्ड, हिमानी, हिमानी का मतलब होता है हिमानी, हिम समूह, हिम का मतलब होता है बर्फ, स्नो और आइस, स्नो और आइस, अपी, अपी का मतलब होता है धी, ठू, नीलद्रुमाणी, संस्कृत में ही नीलद्रुमाणी, इसका हिंदी है हरे भरे वृक्षों वाले, नील का मतलब होता है हरा, ध्रुम का मतलब होता है वृक्ष, तो हरे भरे वृक्षों वाले, ग्रीन ट्रीज, विपिनानी, विपिनानी का मतलब होता है जंगलों को, टू द फॉरेस्ट, किम का मतलब होता है क्या, क्या का मतलब है इंग्लिश में व्हाट, संस्कृत में न प्लोसति, न प्लोसति, नहीं जलाती, डू नॉट बर्न, यानी शीतल स्वभाव वाली जो हिमानी मतलब जो बर्फ है, क्या वो हरे भरे वृक्ष वाले जंगलों को नहीं जलाती, अर्थात जलाती है। अब हम हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में जो हमने मीनिंग समझा था उसी का हम भावार्थ आपको बता रहे हैं। हे प्रभु, आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया है, तो फिर बताइए कि बिना क्रोध किए कर्म रूपी चोरों को कैसे नष्ट किया। ठीक है, क्रोध की अपेक्षा क्षमा की शक्ति महान है, आग की अपेक्षा हिम यानी बर्फ की शक्ति अधिक है, बर्फ ठंडा होने पर भी क्या हरे भरे वृक्षों और पत्तों को नहीं जला देता है, अर्थात जला देता है। गुजराती, हे प्रभु, आपे तो क्रोध ने पहलाज नष्ट करी दिलों से, तो पछी समझाओ कि बगर क्रोध करे कर्म रूपी चोरों ने केवी रीते नष्ट करा। ठीक छे, क्रोध ने सरखामणी में क्षमा ने शक्ति महान छे, आग ने सरखामणी में हिम यानी बर्फ ने शक्ति अतुल्य छे, यानी अतुल्य का मतलब ज्यादा वधारे छे, बर्फ ठंडो हुआ छता
શું હર્યા ભર્યા વૃક્ષો અને પાંદડાઓને બાળી નથી દેતો, અર્થાત બાળી દે છે? ઇંગ્લિશ મેં ઓ પ્રભુ યુ એલિમિનેટેડ એન્ગર એટ ધ આઉટસેટ, દેન હાઉ વિદાઉટ એન્ગર ડીડ યુ ડિસ્ટ્રોય ધ થીવ્સ ઇન ધ પ્રોબ ઓફ કર્માસ. This proves that forgiveness is more wanted than anger. Snow or ice is much more effective as compared with fire. Although snow is cold, does it not burn less green trees and thin leaves? अर्थात क्या वो हरे भरे वृक्ष को नहीं जलाता? जलाता है. हमें इस श्लोक से प्रेरणा लेना है कि हमें क्रोध नहीं करना है, क्षमा का विकास करना है. कई लोग कहते हैं परिवार को चलाने के लिए, समाज संस्थाओं को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए हमें कभी कभी क्रोध करना पड़ता है, क्रोध के बिना काम नहीं होता है. लेकिन इस श्लोक से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो काम क्रोध से नहीं होता है वो फॉरगिवनेस से हो जाता है. तो क्रोध के कंपेयर में फॉरगिवनेस का ज्यादा महत्व है. जो काम शांति से हो सकता है, क्षमा से हो सकता है, वह क्रोध से कभी भी नहीं हो सकता है. तो हम संकल्प करें कि हम जो काम क्षमा से कर सकते हैं तो हम क्रोध क्यों करें, क्योंकि क्रोध करने से कई नुकसान भी हो सकते हैं और मधुर जो संबंध होते हैं वर्षों के वो भी समाप्त हो सकते हैं. इसीलिए हमें क्या करना है, क्रोध नहीं लेकिन हमें क्षमा का विकास करना है. क्षमा का विकास करने से ही हम कर्म रूपी शत्रुओं को जीत सकते हैं. जैसे भगवान पार्श्वनाथ ने क्रोध को सबसे पहले समाप्त किया, इसीलिए उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को भी जीता. यदि क्रोध को समाप्त नहीं करते तो प्रभु कभी भी कर्म रूपी शत्रु को जीत नहीं सकते थे. तो कर्म रूपी शत्रु को अगर हमें जीतना है तो हमें भी क्या करना होगा, क्रोध जो हमारे भीतर है उसको हमें भी क्षय करना होगा. क्षय करने से पहले हम कोशिश करें कम करने की. कम करते करते एक दिन ऐसा आएगा क्रोध है वो समाप्त हो जाएगा, तो हम भी वीतराग दशा को प्राप्त कर सकते हैं. इस आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम.